आगरा के जेपी होटल में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का चिंतन शिविर की शुरुआत हुई है। आपको बता दें, ये 2 दिवसीय शिविर है। 36 राज्यों से 11 मंत्री, 50 सचिव निदेशक सहित 215 प्रतिनिधियों इस शिविर में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, रामदास अठावले और मंत्री असीम अरुण ने दीप प्रज्वलित कर चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। चिंतन शिविर का उद्देश्य मंत्रालय के कार्य की समीक्षा करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 को लागू करने पर एक्शन प्लान बनाना है। आगरा के जेपी होटल में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का ये आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने का संकल्प लिया है। इस यात्रा में बहुत जरूरी है कि केवल ग्रोथ ही नहीं हो, सबको साथ लेके चलना, यानी सबका साथ पहले है और सबका विकास उसके साथ है। पूरे प्रदेश के, पूरे देश के समाज के मंत्री और अधिकारी आगरा में एकत्रित हो रहे हैं इस चिंतन शिविर के लिए। इस शिविर में 2 दिन चर्चा होगी किस तरह समाज में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बहन जो एक कदम पीछे छोड़ रहे हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से, स्वावलंबन के हिसाब से या सामाजिक न्याय के हिसाब से, उनको कैसे आगे बढ़ाना है, इसके ऊपर जो स्कीम चल रही है उनपे भी चिंतन होगा और नई स्कीम, नए कानून कौन से लाने चाहिए उसके ऊपर भी चिंतन होगा। कब तक रहेगा और क्या क्या ऐसे सेशंस? आज 9 तारीख और कल 10 सितंबर को 2 दिन का चिंतन शिविर है जिसमें देश से लोग आ रहे हैं। सबसे पहले शिक्षा के सत्र के ऊपर चर्चा होगी, उसके बाद में स्वावलंबन पे चर्चा होगी, फिर सामाजिक न्याय पे चर्चा होगी। तीनों के संबंध में किस प्रकार मोदी जी ने कानून बनाए हैं उनका अनुपालन हो रहा है, कहीं कोई कमी है तो कैसे दूर करना है और अगली ऊंचाई कैसे पहुंचे, अगले कानून कौन से बनाने हैं, नीतियां कौन सी बनानी, इस पे सुझाव आएंगे, चर्चा होगी, उसके निष्कर्ष लास्ट सवाल ये है कि